जल्दी वापस आ जाओ निखिल, तुम्हारे बिना मैं इस प्लान को अंजाम नहीं दे पाऊंगी। सॉरी लक्ष्य, तुम्हारा टाइम अब पूरा हो गया है। मैं तुम्हें पुलिस के पास जाने का मौका दूंगी ही नहीं, क्योंकि जो मैंने अपने पति के साथ किया वही सब अब तुम्हारे साथ होगा। बस एक महीना, बस एक महीने की बात है, उसके बाद ऐसा क्या करूं कि आप लोग मान लें कि मैं अभिमन्यु खन्ना हूं। मेरा चेहरा किसी से मिलता है इसका मतलब ये नहीं कि मैं वही हूं। ये डॉक्यूमेंट्स फिंगरप्रिंट्स कैसे मैच होंगे जबकि वो लक्ष्य महेश्वरी है और मैं अभिमन्यु खन्ना। मैं 6 महीने पहले मिली थी अपने पापा से। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। जल्दी जल्दी फोन कीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं संस्कार बोल रहा हूँ, आप तुरंत बाड़ी आ जाइए। जी जी मा! देखिए इनकी हालत बहुत खराब है, इन्हें अपने बेटे के चले जाने का बहुत सदमा पहुंचा है। मैंने इंजेक्शन लगा के इन्हें शांत कर दिया है, लेकिन बेहतर होगा कि आप इनके बेटे को फौरन बुला लें, वरना कुछ भी हो सकता है। बता दीजिए। रागिनी, एक बार माँ ठीक हो जाए उसके बाद मैं खुद जाकर उसे ले आऊंगा। हेलो लक्ष्य, प्लीज फोन मत काटिएगा प्लीज। हम रात में बात कर रहे हैं। माँ की तबीयत बहुत खराब है लक्ष्य, डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर मैं आपसे नहीं मिली तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। प्लीज माँ के लिए यहाँ आ जाइए, प्लीज जल्दी आइए लक्ष्य। क्यों फोन किया तुमने इसे? तुम क्यों इसे परेशान कर रही हो रागिनी? वैसे भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और इतने समय से हम सब संभाल रहे थे ना, तो आज भी संभाल लेंगे। हेलो, वी आर सो सॉरी मिस्टर अभिमन्यु कि हमने आपको परेशान किया, लेकिन आप अपने घर में ही रहिए। आप वहां ठीक है ना? तो आप वहीं रहिए। पता है आज बाहर हॉल में क्या हुआ? बाहर ना एक आंटी आई थी और उन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए, और उन्होंने वही पूछा जो आपने मुझसे पूछे थे।
हाँ तो लड़ो, इत्तफाक होगा। नहीं आंटी, ये कोई इत्तफाक। मिश्का देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो, कोशिश करो, मैं आपको समझा। अभी जाके मेरी मम्मी और मेरे पापा को बताती हूँ। अब नहीं नहीं मिश्का, मिश्का प्लीज। मम्मा, संस्कार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। संस्कार, मिश्का को सब पता चल गया। क्या? मिश्का को पता चल गया? हाँ संस्कार। स्वरा, तुम एक काम करो, अभी के अभी वहाँ से निकलो। और वैसे भी यहाँ बड़ी माँ की तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ बड़ी माँ को? वो बेहोश हो गई थी स्वरा, लेकिन तुम उनकी चिंता मत करो, हम सब है यहाँ। तुम अभी के अभी वहाँ से निकलो और यहाँ बाड़ी पहुँचो, क्योंकि जो औरत लक्ष्य को अपने जाल में फंसा सकती है वो तुम्हें कुछ भी कर सकती है। हाँ सत्कार, मैं निकल रही हूँ, ठीक है, बाय। मम्मा, लक्ष्य का मरना बहुत जरूरी है, आज ही। बस मैंने कह दिया। लक्ष्य, पर वो तो बेटा, वो तुम्हारे पापा नहीं है। लक्ष्य महेश्वरी हमारे पति। निखिल, निखिल मेरी बात सुन, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम हो कहाँ। हाँ तो ठीक है ना, तुमने पानी में गिर के अपनी जान बचा ली ना। बस अब फालतू की बकवास मत करो, चुपचाप यहाँ आओ और हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करो। लक्ष्य का मरना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं मरेगा तब तक अभिमन्यु खन्ना नहीं मरेगा, और जब तक अभिमन्यु खन्ना जिंदा है उसकी जायदाद हमारी नहीं हो सकती। इसलिए अब वक्त आ गया है कि उसे मार दिया जाए। और वैसे भी वो मेरा पति नहीं है जो मैं उसकी आरती उतारूं, वो तो एक रैंडम आदमी जिसे मैंने मिश्का का बाप बनने पर मजबूर कर दिया। और अब उसका काम खत्म हो गया है, तो अब उसे भी खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, हम उसे आज ही मारेंगे। ओके, बाय। मिश्का प्लीज, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं आपसे ये नहीं कहती कि आपकी मम्मी से मत कहो, पर क्या हुआ? अब ठीक हो मिश्का? मिश्का, मिश्का, मतलब आराम से बैठो। मिश्का, रिलैक्स बेटा, कुछ नहीं हुआ है आपको। मिश्का, I'm really sorry, मैंने आपसे झूठ बोला है, पर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं सारी सच्चाई बाहर लाना चाहती हूँ, मैं सबको बताना चाहती हूँ कि आपके पापा नहीं लक्ष्य अंकल है। आंटी मुझे पता है, वो मेरा पति नहीं है जो मैं उसकी आरती उतारू, वो तो एक रैंडम आदमी जिसे मैंने मिश्का का बाप बनने पर मजबूर कर दिया, और अब उसका काम खत्म हो गया। आंटी
मम्मा और निखिल अंकल ने मिलकर एक प्लान बनाया कि वो लोग आज रात लक्ष्य अंकल को मार देंगे। और उन्होंने तो मेरे पापा को भी। घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, है ना पापा? आवाज नहीं। ये लक्ष्य पता नहीं कहां रह गया। पता नहीं स्वरा वहां से निकली भी है या नहीं। लक्ष्य, अच्छा हुआ आप आ गए। माँ वहाँ। मिस्टर अभिमन्यु खन्ना, आप यहाँ क्यों आए? वो एक्चुअली रागनी जी ने मुझे कॉल किया था, सिर्फ इंसानियत के नाते मैं एक बार। थैंक्स बट नो थैंक्स। माँ को आपसे नहीं, अपने बेटे से मिलना। देखिए मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर और कुछ नहीं। आप जाइए यहाँ से, माँ के सामने जाकर उनकी तकलीफें बढ़ाने की जरूरत नहीं। देखिए मैं यहाँ पे उनकी तकलीफें बढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ एक बार उनसे। मैंने कहा ना, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूँ। संस्कार आप ये क्या कर रहे हैं? देखिए प्लीज मुझे सिर्फ एक बार जाने दीजिए। मैंने कहा ना, मैं आपको नहीं जाने दे सकता। जस्ट गेट आउट। बस बहुत हो गया, चुपचाप मुझे अंदर जाने दो, वरना क्या हा? क्या कर लोगे तुम? वैसे भी तुम हो कौन जो उनको लेकर इतना परेशान हो? और वो मरे या जिए इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वो मेरी माँ है। तूने मुझे मेरी माँ से नहीं मिलने दिया ना, मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा भाई है। भूल तो पहले ही गया था लकी, मैं बस याद दिला रहा था। जा जा जाके माँ से मिल, जा। माँ, लक्ष्य आ गया। माँ मैं आ गया। माँ
आपका लक्ष्य आ गया माँ, उठो ना माँ प्लीज। मुझे माफ कर दो माँ, हम दिली सॉरी, बहुत परेशान किया ना मैंने आपको, किया ना? बस बहुत हो गया, अब मैं आ गया हूँ ना, अब नहीं रोने। हाँ पापा, मैं यही हूँ आपका, आपका लक्ष्य। मुझे माफ कर दो पापा। तुमने ये नाटक क्यों किया? ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? वो दरअसल मेरी गाड़ी से एक एक एक्सीडेंट हो गया था, और उस एक्सीडेंट में मानसिक पति की मौत हो गई। मैं 13 साल से अपने पति का इंतजार कर रही हूँ, मेरी बेटी घर पे अपने पिता का इंतजार कर रही है, क्या जवाब दूंगी मैं उसे? कहाँ है उसके पिता? सब कुछ तो बर्बाद हो गया, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरी बेटी की इस वक्त क्या हालत है। उसे फ्यूचर अस्पताल है, उसकी सर्जरी होने वाली है, इसके लिए उसके पापा उससे मिलने आ रहे थे, और ये सब। मेरी मम्मा अंदर है क्या? बेटा वो उनकी तबीयत खराब है ना, इसलिए। और मेरे पापा? मैं ही आपका पापा हूँ। रागिनी अपनी जान देने की कोशिश करी थी, तो कैसे संभाला अपने आप को? नहीं माँ, नहीं रोक पाए थे वो अपने आप को, आए थे वो। हेलो, हाँ मानसी, कहाँ हो तुम? हमें मिश्का को डॉक्टर के पास लेके जाना है ना। मानसी, मैं बाड़ी आया था, माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए मुझे उन्हें सब सच बताना पड़ा। ओह गॉड, अब तो प्लान और जल्दी पूरा करना पड़ेगा।